साल 2023 में टीवी पर कई शोज की एंट्री हुई थी जिसे लेकर लग रहा था कि ये टीआरपी लिस्ट में तूफान मचा देंगे। शुरुआत में इन सीरियल्स को लेकर लोग मान बैठे थे कि ये अनुपमा की नंबर वन की गद्दी तक छीन सकते हैं, लेकिन लोगों की ये अटकलें गलत साबित हुई। कुछ ही दिनों में इन सीरियल्स की टीआरपी गिरने लगी और ये ऑडियंस के लिए भी सिर का दर्द बन गए। इनमें से कुछ शोज तो दो महीने भी टिक नहीं पाए। आपको भी बताते हैं इन शोज के बारे में। चाशनी, अमनदीप सिद्धू और साई केतन राव चाशनी दो महीने भी ठीक से नहीं चल पाया। शो को कुछ ही दिनों बाद बंद करना पड़ा। ये शो दो बहनों के ऊपर था जिसमें से छोटी बहन बड़ी बहन की सास बन जाती है। मोलकीटू, विधि यादव और आशीष कपूर का मोलकीटू डेढ़ महीने में ही बंद करना पड़ा था, जबकि शो का पहला सीजन काफी हिट साबित हुआ था। लग जा गले, 2023 में शुरू हुआ लग जा गले भी सुपर फ्लॉप साबित हुआ। तनीषा मेहता और नमिक पॉल के इस शो को मई में बंद करना पड़ा था। बता दें कि इस शो के जरिए नमिक पॉल ने लंबे समय के बाद एंट्री की थी। तेरे इश्क में घायल शो, वेम्पायर डायरीज की कहानी पर बना तेरे इश्क में घायल लोगों को खास पसंद नहीं आया। कुछ ने तो इसे सस्ती वेम्पायर डायरीज का भी टैग दे दिया। आपको बता दें कि शो अब टीवी पर नहीं आएगा बल्कि OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर शिफ्ट किया जा रहा है। अग्निसाक्षी, शिवका पाठक और आशय मिश्रा का अग्निसाक्षी इसी साल फरवरी में शुरू हुआ था, लेकिन शो को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। शिविका पाठक के शो को लेकर भी खबरें हैं कि ये शो जल्द बंद होने वाला है। धर्मपत्नी, फहमान खान का शो धर्मपत्नी फरवरी में शुरू हुआ था, लेकिन शो को जनता से खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। ऐसे में धर्मपत्नी को बंद करने की बात सामने आई, हालांकि कुछ दिनों के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया है। मेरी सास भूत है, काजल चौहान और विभव रॉय का मेरी सास भूत है ऑडियंस के सिर के ऊपर से जा रहा है। इस शो को भी कोई खास टीआरपी नहीं मिल पा रही। ऐसे में इसकी हालत सुधारने के लिए मेकर्स ने लीप लाने का फैसला किया है।